नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी में भारतीय किसान संघ की बैठक हुई आयोजित। भवानी मंडी के कृषि उपज मंडी में संपन्न हुई बैठक। वहां से किसान बाइक रैली निकालकर एसडीएम कोर्ट पहुंचे, जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया। किसानों की हालत खराब हुई है। सोयाबीन, उड़द, मूंग, मक्का की फसलें पूरी तरह बर्बाद और नष्ट हो चुकी। अभी तक शासन और प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। शासन प्रशासन से मांग की गई है कि समय पर बीमा और मुआवजा किसानों को दिया जाए, ताकि किसान अगली फसल के लिए कुछ राहत मिल सके। किसानों को 7 घंटे दिन में बिजली मिले और खाद और बीज समय पर उपलब्ध करवाया जाए। ग्राम खेजड़िया खाल में आज़ादी के 75 साल बाद भी कहीं भी डामर रोड नहीं है, इसको लेकर ग्रामवासी बहुत परेशान है। ज्ञापन देने में तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह मोयाखेड़ा, उपाध्यक्ष प्रताप सिंह, तहसील मंत्री बहरू सिंह, प्रचार प्रमुख शंभू सिंह, युवा प्रमुख गोविंद सिंह, वरिष्ठ कार्यकर्ता गौरी शंकर, पाटीदार गुराड़िया जोगा, शंकर सिंह मोगरा, कालू सिंह व सभी किसान मौजूद रहे। भवानी मंडी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल राष्ट्रीय स्तर का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर मेहरसाणा गुजरात के नजदीक बहचाजी में संपन्न हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता और प्रदेश कांग्रेस सेवादल संयुक्त सचिव अख्तर अली के इस भाग में लेकर आने पर नगर कांग्रेस कमेटी भवानी मंडी की ओर से नगर अध्यक्ष कालूलाल सालेचा ने अख्तर अली का स्वागत किया। और नगर अध्यक्ष कालूलाल सालेचा ने बताया है कि पूरे कोटा संभाग से केवल मात्र अख्तर अली को पार्टी ने मौका दिया है। इस शिविर में पूरे भारत से 126 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। चौमेला स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध प्रोग्राम के अंतर्गत खाद्य पदार्थ मावी की दुकानों से सैंपल लिए गए, ताकि त्योहारों में सीजन में ग्राहकों को शुद्ध वस्तु मिल सके। शुद्ध युद्ध अभियान के लिए आए हुए खाद्य पदार्थ मावा, जो कि दीपावली पर मिठाई बनाने के लिए काम में लिया जाता है, उसके नमूने लिए हमने। 4 प्रतिष्ठान जो कि चौमेला में है, एक अपने श्री राजेंद्र दूध डेयरी, एक नागपुरा मावा भंडार, एक अपने ज्ञान जी हैं, उनके भी एक नमूना लिया है, एक नमूना भी पूर्व माव भंडार से लिया जा रहा है। इसके अलावा भी कई कोल्ड स्टोरेज वगैरह है, वहाँ से भी सैंपल अभी आए हैं हम लोग, और अभी उसको भी कोल्ड स्टोर को भी चेक करेंगे। चौमेला में कांग्रेस सेवा दल डग ब्लॉक के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय जैन का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सम्मान कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व कांग्रेस सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत की सहमति से जिला अध्यक्ष डॉक्टर नंद सिंह राठौर ने चौमेला निवासी संजय जैन को डग ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। इससे पूर्व संजय जैन नगर कांग्रेस सेवा दल चौमेला के अध्यक्ष व वार्ड पंच भी रह चुके हैं। जैसे ही यह सूचना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिली, उन्होंने जैन के घर जाकर माला पहनाकर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। चौमेला में संजय पार्क में प्रशासन गाँव के संघ शिविर का आयोजन शिविर प्रभारी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। शिविर में उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार, तहसीलदार शिव नारायण रावत, पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि बहरू सिंह परिहार, उप प्रधान संतोष जैन, सरपंच प्रेमलता, अशोक भंडारी सहित सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में पंचायती राज द्वारा 158 लोगों को आवासीय पट्टे वितरित किए गए। साथ ही 55 पेंशन, 20 पालनहार के फॉर्म स्वीकृत किए गए। 7 विकलांगों को ट्रायल साइकिल वितरित की गई। राजस्व विभाग द्वारा 215 नकल दी गई। 198 नामांतरण खोले गए। 83 खाता शुद्धिकरण किए गए। पिड़ावा थाना के क्षेत्र के धरोनिया गांव में शुक्रवार को एक विवाहिता महिला शव उसी के कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पिड़ावा पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। एसआई रमेश चंद ने बताया कि महिला के श्रीनाथ पाटीदार ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी विशाखा 21 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे खेत पर गई थी, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं। इस पर परिजनों ने उसे तलाश किया। महिला के पति ने रात 12 बजे करीब पिड़ावा थाने आकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी को मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे। अगले दिन शुक्रवार सुबह 8 बजे उसकी चप्पलें खेत पर बने कुएं के पास पड़ी मिली, जिस पर संदेह होने पर पुलिस को सूचना देकर कुएं में तलाशी शुरू की गई। ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया और शव को पिड़ावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतका के पिता के पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव पिता और पति को सौंप कर धारा 174 में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच पिड़ावा CI रामनारायण कर रहे हैं।
पिड़ावल क्षेत्र के ग्राम पंचायत खारपा कला के खारपा कला गांव में अस्पताल के सामने स्थित मुख्य मार्ग के दोनों ओर नालियों की सफाई नहीं होने से नालियों का पानी मुख्य मार्ग पर फैल रहा है, जिससे राहगीरों, स्कूल आने वाले छात्रों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने SDM के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि सरकारी अस्पताल के सामने मुख्य मार्ग के दोनों ओर स्थित नालियों की लंबे समय से सफाई नहीं करवाई गई, जिससे मार्ग पर गंदा पानी, कीचड़ की समस्या बनी हुई, वाहन चालक फिसल कर गिर रहे हैं। इस समस्या से कई बार ग्राम पंचायत सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी को अवगत कराए जाने पर भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। मार्ग में फैली गंदगी में मच्छर पनपने से बीमारियां फैल रही। ग्रामीणों ने गंदगी की समस्या से शीघ्र ही निजात दिलाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में दुर्गा लाल गुर्जर, ज्ञान सिंह गुर्जर, मुकेश गुर्जर, राजू वर्मा आदि शामिल रहे। पिड़ाव उपखंड क्षेत्र के करोदिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर हेल्थ टीम ने घर घर जाकर सर्वे किया। PHC करोदिया के महलनाथ श्याम सुंदर पाटीदार ने बताया कि CMHO साजिद खान के आदेश अनुसार हेल्थ टीम ने डेंगू मलेरिया मुक्त राजस्थान अभियान के तहत आज पूरे गाँव में अलग अलग वार्डों में टीम बनाकर भ्रमण किया। टीम ने घर घर जाकर एंटी लार्वा एक्टिविटी व बुखार के रोगियों की मलेरिया स्लाइड बनाई गई। वहीं 7 दिनों से अधिक समय से भरी हुई पानी की टंकियां, कूलर के पानी को खाली करवा कर पानी में टेमीफॉस डलवाया गया। रुद्र सेना द्वारा ग्राम गिदरपुर हेमरा में प्रसिद्ध गणेश जी के मंदिर के प्रांगण में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। रुद्र सेना युवा संगति झालावाड़ राजस्थान झालरापाटन तहसील के ग्राम गिदरपुरा हेमरा में रुद्र सेना के कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसे मुख्य अतिथि गुरुदेव अभिषेक नामदेव गोवंशों की चिंता जताते हुए अधिक से अधिक रखाव के बारे में बताया गया। वह विशिष्ट अतिथि बजरंग सिंह गुर्जर झालरापाटन तहसील गो रक्षा प्रमुख रहे। उन्होंने भी गो माता को राजस्थान सरकार से राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए निवेदन किया गया। झालावाड़ में राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गाँव के संग अभियान ग्रामवासियों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। इसमें ग्रामवासियों की कठिन से कठिन समस्याओं का निराकरण हो रहा है। इसका उदाहरण आज ग्राम पंचायत बोधा में आयोजित कैंप में देखने को मिला। काली सिंध बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आए ग्राम पंचायत के कुछ खातेदारों को वर्ष 2016 से मुआवजा प्राप्त नहीं हो रहा था। इस पर ग्रामीणों द्वारा समस्या को शिविर में बताया गया, जिस पर शिविर प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करवाई जाकर 68 कृषकों को लगभग 3,57,00,000 रुपये के चेक मौके पर वितरित करवाए गए, जिसे पाकर ग्रामीणों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा और उनके द्वारा राज्य सरकार उपस्थित अधिकारीगण व कर्मचारीगण का आभार व्यक्त किया गया। मंदसौर मंडला में हुई NSUI कार्यकर्ता अभिषेक ज्योतिषी की हत्या के मामले में मंदसौर में NSUI ने मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस व NSUI कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। पुतला दहन के बाद कार्यकर्ताओं द्वारा रोड जाम करने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर पुलिस ने छात्र नेताओं को घसीटते हुए रोड से हटाया। दरअसल मंडला में हुई अभिषेक ज्योतिषी की हत्या के बाद NSUI कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। ये NSUI द्वारा कोई मंडला में NSUI के कार्यकर्ता के साथ कोई घटना घटित हुई है, इस संबंध में यहाँ उन्होंने पुतला जलाने का प्रयास किया था, पुलिस ने उसे सफलतापूर्वक बुझा दिया और लोगों को समझाइश दी है कि रोड पर जाके ना करके अपना आराम से यहाँ जो नारेबाजी कर रहा है। गरोड़ बस की टक्कर से स्थानीय पोस्ट ऑफिस में कार्यरत एक डाककर्मी की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बस को जब्त कर लिया है। घटना के बाद बस चालक फरार हो गया। बता दें कि बस चालक ने बस से इस टक्कर से कुछ दूरी पहले ही एक भी व्यक्ति को टक्कर मार दी थी, जिसे गंभीर हालत में झालावाड़ रेफर किया गया। गरोड़ पोस्ट ऑफिस में पदस्थ डाककर्मी तनवीर अहमद पिता शरीफ कादरी 38 काम खत्म करके अपने घर भानपुरा जा रहे थे। थाने के SI अशोक शुक्ला ने बताया कि शाम करीब 7:30 बजे ग्राम जोड़मा के पास सामने से आ रही यात्री बस क्रमांक SP42P9234 ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आ गई। उन्हें सरकारी अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मंदसौर की रहने वाली 18 वर्षीय सागू डावर ने 7वीं कक्षा से हॉकी खेलना शुरू किया। जब वह मैदान पर आई तो पहले तो उसका मन नहीं लगा, लेकिन फिर माँ की बातों से और अपने सहपाठियों से प्रेरित होकर उसने अपने खेल को सुधारने में जान लगा दी। 7वीं के बाद अपनी 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही है सागू। हॉकी के खेल में इतनी माहिर हो चुकी है कि महज चंद सालों में ही वह 6 राष्ट्रीय मैच जो देश के केरल, असम, रांची और भोपाल में हुए थे उनमें हिस्सेदारी कर चुकी है।
वर्तमान में सागू का बड़ी उपलब्धि के साथ जूनियर और राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में चयन हुआ है, लेकिन 3 अप्रैल को झारखंड में वाला यह मैच कोरोना के संकट के बीच रद्द हो गया था। फिलहाल सागू मंदसौर के टर्फ हॉकी मैदान पर सुबह शाम कई घंटे रोज पसीना बहाती। हर रोज मैदान में प्रवेश करने के दौरान थोड़ी कसरत के बाद वह अपनी हॉकी स्टिक और बॉल को लेकर मैदान की ओर चल पड़ती। हिम्मत और जज्बे के साथ प्रैक्टिस शुरू करते हुए तमाम तरह के शॉट्स खेलने का भी प्रयास करती है। सागू काफ़ी परिवार गरीब परिवार से, पिता के लंबे वक्त पहले मौत हो जाने के बाद सागू की माँ ने अपने 8 बच्चों को अकेले पालन पोषण कर उन्हें बड़ा किया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी एक दिन झंडा वंदन करूंगी। मैंने झंडा वंदन करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहाँ कहाँ तक खेले और क्या परिस्थिति? मैं नेशनल लेवल तक खेल चुकी हूँ। तमिलनाडु, रांची, केरल, आसाम में कई जगह खेल चुकी हूँ और घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। क्या करते हैं? मम्मी पिताजी की तो डेथ हो गई बहुत साल पहले। मम्मी है जो झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते, साथ में मैं भी जाती हूँ हाथ बर्तन में। आप भी झाड़ू पोछा बर्तन में? हाँ। भाई? भाई 2 छोटे हैं, वो भी मेरा सपोर्ट करते, वो भी काम करने जाते सुबह। और आपके बड़े भाई भी? मेरे बेटे आगे बढ़ जा और आगे खेल कूद में आगे नाम मंदसौर का रोशन करा, सर का नाम पता रोशन करा, मेरे को बहुत खुश हुई। और मेरी बेटी को खाने पीने का काम के, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं। इनके पापा 7 रह गया, बड़ा भाई 7 रह गया 22 साल का, 2 बच्चे छोटे छोटे सागों से छोटा ने, एक बड़ी बहन। और मैं लोगों को घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके मेरा घर चला रही, इनके वास्ते खाने पीने का रोटी सब्जी मिल रही। और बाहर जाने का इनको मुश्किल से मेरे को किराया मिला, कभी मेरे को जहाँ काम करो वहाँ 400-500 हज़ार आगे से लेके इनको पूछा रही, मैं मना नहीं कर रही। मेरी बेटी आगे और कोशिश कर आगे बढ़ जा तो पूरे परिवार को संभाल ले। और अखबार में आती बाहर आगे बढ़ती मेरे को बहुत खुश लगती। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया राधेश्याम मोटर्स बजाज शोरूम, श्रीनाथ कार केयर के सामने, न्यू सूर्य का पेट्रोल पंप के पास, बाईपास झालावाड़ रोड, भवानी मंडी। मोबाइल नंबर है 6377562204। हमारे यहाँ सभी तरह की बजाज की बाइकें उपलब्ध है, जैसे कि CT 100, CT 110X, Platina 100, Platina 110, Pulsar 125, Pulsar 150। बजाज प्लेटिना चलाइए, गाड़ी के पूरे पैसे पेट्रोल से बचाइए, फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। खुल गया खुल गया खुल गया राधेश्याम मोटर्स बजाज शोरूम, श्रीनाथ कार केयर के सामने, न्यू सूर्य का पेट्रोल पंप के पास, बाईपास झालावाड़ रोड, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। कमला रिसोर्ट होटल में ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी रूम, डिलक्स, सेमी डिलक्स रूम। शादी व पार्टी बुकिंग हेतु संपर्क करें 07433222011। हमारा पता है विजय टाकिज के पास, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। प्रोप्राइटर संतोष काग्या, जिनका मोबाइल नंबर है 9414420581, 9694643148। बालकृष्ण रेजिडेंसी होटल में ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी रूम, डिलक्स व्यवस्था। शादी व पार्टी की बुकिंग हेतु संपर्क करें 07433
3220111। हमारा पता है विजय टाकीज परिसर, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। प्रोप्राइटर रामेश्वर, जिनका मोबाइल नंबर है 9887105911 7597462260। पद्मा पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग SDPE पाइप्स एंड स्प्रिंकल सिस्टम। आवर एड्रेस H52B रिको इंडस्ट्रियल एरिया, रेजिडेंस 228 चंद्रविला, रामनगर, भवानी मंडी। प्रोप्राइटर प्रदीप शर्मा, मोबाइल नंबर 9414194566073322466।